जन्नत का हर लम्हा दीदार किया था, गोद में उठाकर जब माँ ने प्यार किया था। सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है, वो कौन सा दिन है जो माँ के बिन है। मैं दुनिया की सभी माओं को प्रणाम करता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आप में से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से किसकी माँ उनके साथ हैं और किसने अपनी माँ को खो दिया है, लेकिन एक बात जानता हूँ, जिन लोगों की माँ उनके साथ हैं वो दुनिया के सबसे खुशनसीब और सबसे धनवान लोग हैं। और जिन्होंने अपनी माँ को खो दिया वो अपने हृदय में अपनी माँ को याद करें और मेरे साथ एक महान कवि रमेश सोच की इन पंक्तियों को याद करें। वो जहाँ कहीं भी होंगी वो वहीं से आपको आशीर्वाद देंगी। बहुत रोता हूँ लेकिन दामन कभी नम नहीं होता, इन आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, और बहुत महफूज रहता हूँ अपने दुश्मनों के बीच क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। और माँ की कमी को कोई पाट नहीं सकता और ईश्वर भी माँ के आशीर्वाद को काट नहीं सकता। दुनिया में आपका जो रिश्ता आपकी माँ से है उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि आपके दुनिया में आने से 9 महीने पहले इसका एहसास आपकी माँ को हो चुका था और आप उसी माँ के शरीर का एक अंश हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि क्या सीरत है क्या सूरत है, तू माँ ममता की मूरत है, माँ मुझे तेरी बहुत ज़रूरत है। तेरे पांव छुए हर काम बने, तू हर पल एक मुहूर्त है, सच कहता हूँ माँ मुझे तेरी बहुत ज़रूरत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे उदाहरण जिन माँओं ने विपरीत परिस्थितियों में जमाने से लड़कर अपने बच्चों का साथ दिया और उन्हें सफल बनाया। दया कौर जो ना तो एक पढ़ी लिखी महिला थी, ना ही वो किसी समृद्ध परिवार में रहती थी और ना ही किसी बड़े शहर में, लेकिन उसके बावजूद भी दया कौर ने अपनी बच्चियों को सफल बनाने के लिए समाज प्रथा और लोगों के तानों की परवाह ना करते हुए अपने पति के मार्गदर्शन में उन बच्चियों को सफल बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया और उन बच्चियों ने अपनी माँ का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। और उन बच्चियों का नाम है गीता सिंह फोगाट और बबीता सिंह फोगाट। इनकी सफलता के पीछे इनकी माँ के साथ साथ इनके पिता का भी बहुत बड़ा हाथ था। यहाँ तक कि गीता और बबीता की माँ दया कौर ने, जो कि शुद्ध शाकाहारी थी, अपनी बच्चियों की डाइट के लिए उनके लिए नॉनवेज बनाया जिससे उसको सख्त परहेज था, लेकिन इसलिए बनाया ताकि उनकी बेटी अच्छी डाइट लें और सशक्त महिला बनकर पूरे विश्व में अपना परचम लहरा सकें। इसीलिए एक बात कही जाती है कि अपने बच्चों की सफलता के लिए माँ सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाती है और ये काम केवल एक माँ ही कर सकती है। ऐसी एक और माँ का उदाहरण है सेवांति मंगेशकर। सेवांति मंगेशकर माँ हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बॉलीवुड की नींव रखने में लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी का बहुत बड़ा हाथ है। जिस ज़माने में लता मंगेशकर और आशा भोसले जी ने गाना शुरू किया उस ज़माने में लड़कियों का घर से निकलना और कोई भी काम करना बहुत कठिन था, यहाँ तक कि संगीत तो बहुत दूर की बात है। उस ज़माने में भी सेवांति मंगेशकर ने समाज के विरुद्ध जाकर अपना साहस दिखाकर अपनी बेटियों का साथ दिया, जिसके कारण आज वो भारत कोकिला के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। उस ज़माने में भी माँ की ममता ने अपना साहस और रूप दिखाकर अपनी बेटियों का साथ दिया, लोगों के विरुद्ध जाकर अपनी बेटियों को सफल बनाया। मैरी कॉम एक ऐसी महिला जिसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। कहा जाता है कि जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। एक गरीब किसान की बेटी जिसने पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया, एक पहली महिला बॉक्सर के रूप में सामने आई जिसने भारत के लिए 6 गोल्ड मेडल हासिल किए और विश्व चैम्पियन बनी। 3 बच्चों की माँ के लिए ये सफ़र बहुत कठिन था। मैरी कॉम के घर की हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने परिस्थितियों से हार नहीं माना। मैरी कॉम जब काम करने जाया करती थी तो अपने बच्चों को साथ ले जाती थी, क्योंकि उसके बच्चे की देखभाल करने वाला घर पर कोई और नहीं था। क्योंकि एक वो किसान की बेटी थी इसलिए वो जीवन में अपने परिश्रम के बारे में जानती थी, और परिवार के साथ उसने बहुत संघर्ष किया और विश्व में अपने परिवार का नाम रोशन किया। और आपने मदर इंडिया मूवी देखी होगी, उस फिल्म में एक माँ अपने बच्चों को पालने के लिए क्या क्या जतन करती है, क्या क्या परिश्रम करती है और कितनी यातनाएं झेलती है। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो माँ के सम्मान के लिए एक अच्छा वीडियो है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें।